साहब, भी आपको टाके लगाने आते हैं? हाँ हाँ लगाने आते हैं। लो जी फिर, ये लो मेरी चप्पल, इसमें टाके लगा दो। बोला बोला बोला। डार्लिंग, चांद कहाँ है? चांद एक आसमान में है और एक मेरे सामने। सुनो जी, चांद कहाँ है? ओ अंधी है क्या, वो सामने आसमान में तेरा बाप सीएफएल लेकर बैठा है। बोला 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 बोला। इस तरह से मैच हारने के बाद हमारे खिलाड़ियों को मुंह छुपाने की जगह ना मिली। एक्सक्यूज मी, क्या आप महेंद्र सिंह धोनी हैं? ओए, लेकिन मैंने तो बुरका इसलिए पहना था कि कोई मुझे पहचाने ना। तूने मुझे कैसे पहचान लिया? बाजी बाजी, क्योंकि मैं युवराज सिंह हूँ। अपना बाजी जल्दी से घूंघट नीचे कर लो, पब्लिक ने पहचान लिया, बहुत मार पड़ेगी। संता बाजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? यार बनता क्या बताऊं, मेरी वाइफ मुझसे हर एक पप्पी के 10 रुपए लेती है। आप तो फिर भी लक्की हैं, वरना बाकी सबसे तो वो 50 रुपए लेती है। बोला बोला बोला। अगर तुम सो रहे हो तो मुझे अपने सपने भेजो, अगर तुम जाग रहे हो तो अपनी यादें भेजो, अगर तुम रो रहे हो तो अपने आंसू भेजो। पोटी कर रहा हूँ, क्या भेजूं? बोला 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 बोला। सबर सबर। सबर, मैं तुझे मारने आया हूँ। अरे ठाकुर, तू मुझे क्या मारेगा, तेरे तो हाथ ही नहीं है, है? है? मुझे स्वाइन फ्लू हुआ है, तुझे मारने के लिए तो मेरी चीख ही काफी है। अच्छू नहीं नहीं नहीं, सुअर के बच्चों, सुअर के बच्चों, सुअर के बच्चों। डार्लिंग, आई लव यू। क्या? आई लव यू। जोर से बोलो। जय माता की। बोला 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 बोला। ओ संध्या। हाँ जी। ओ भाई, ये क्या कर रहा है तू? अजी मैं समुंदर में दही डालकर ना लस्सी बना रहा हूँ। ओए मूर्खा, ओ इसीलिए दुनिया हम लोगों पर जोक्स बनाती है। क्या मतलब? ओए इतनी लस्सी क्या तेरा बाप पिएगा? तेरे की। बोला बोला बोला। अरे वीरू, देख वो मल्लिका शेरावत का घर आए। अरे हाँ जय, एक दिन मैंने उसकी खिड़की से झांक कर देखा था, कपड़े बदल रही थी, आज फिर झांक के देखते हैं वो क्या कर रही है। अरे हाँ क्यों नहीं, देख लेते हैं। अरे हाय, अरे मल्लिका शेरावत मैडम रसोई में, भाई आप क्या कर रही हैं? अरे दुनिया को शेक करने के बाद अपने लिए शेक बना रही होंगी। अरे नहीं नहीं, जूस बना रही होंगी। अरे नहीं बाबा, मिक्सी ने ना तो मैं जूस बना रही हूँ ना शेक, मैं तो अपने कपड़े धो रही हूँ। Thank you.
ओ गाइड जी, भाई ये स्केलेटन किसका है? ये महाराजा गब्बर सिंह का। अच्छा अच्छा, और ये जो साथ में छोटे वाला स्केलेटन है ये किसका है? ये भी महाराजा गब्बर सिंह का ही है, पर ये उनके बचपन का स्केलेटन है। बोला, 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 बोला। मम्मी मम्मी मेरे को सुसू जाना है। अच्छा चलो। वेटर इधर आओ, मुझे सुसू करने की जगह दिखाओ। यू नॉटी, पहले तुम दिखाओ। संता पाजी, बंता पाजी, क्या आप यहीं हो? संता पाजी, मैं ये साबित कर सकता हूँ कि इस वक्त मैं यहाँ नहीं हूँ। क्या बात करता है, लगी हजार हजार रुपए की शर्त। लगी? अच्छा ये बताओ, क्या मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ? नहीं तो। क्या मैं शिमला में हूँ? नहीं नहीं। इसका मतलब मैं कहीं और हूँ। हाँ इसका मतलब यही हुआ। जब मैं कहीं और हूँ तो यहाँ कैसे हो सकता हूँ? निकालो हजार रुपए। बंता पाजी, मैं हजार रुपए तो दे दूँ, मगर जब तुम यहाँ पर हो ही नहीं तो कैसे दूँ? बता, मुझे शक है कि मेरी बीवी की चड्डी तेरे कमरे में रह गई। अरे पाजी, पापी तो चड्डी पहनती नहीं है। ओए हाँ, सॉरी 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 यार, मैंने तुझ पे फालतू में शक किया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या बात है? मुझे लूज मोशन आ रहे हैं। अच्छा, कितनी पतली आती है? बस जी इतनी पतली है कि समझ लो आप गरारे कर सकते हो। बोला, 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 बोला। अरे ओ छमिया, क्या नाम है रे तेरा, क्या नाम है रे तेरा, क्या नाम है रे तेरा? मेरा नाम रीटा है। क्या कहा? रीटा, रीटा, रीटा तो मेरी बहन का नाम है। जा, मैं तुझे नहीं मार सकता, जा जा भाग जा। अब तेरा क्या हो गया रे? क्या नाम है तेरा, क्या नाम है तेरा? ओ जी, नाम तो मेरा संता है, पर प्यार से लोग मुझे भी रीटा रीटा ही कहते हैं। बोला, 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 बोला। डार्लिंग, अपने घर वालों से बात करके मैं जल्द ही अपनी एंगेजमेंट फिक्स कर लूंगा। डार्लिंग, अपनी एंगेजमेंट पर विल यू गिव मी अ रिंग? हाँ, जरूर। सो नाइस ऑफ यू। कौन से नंबर पर रिंग दूं, मोबाइल पर, घर पर या ऑफिस पर? बोला, 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 बोला। हेलो, आज से चार दिन पहले मैंने आपके पास कंप्लेंट लिखवाई थी। हाँ जी, हाँ जी मैडम। कि हमारी डोरबेल खराब है, तुम ठीक क्यों नहीं करने आए? मैडम, मैं तो हर रोज आता हूँ, आके डोरबेल बजाता हूँ, पर कोई दरवाजा ही नहीं खोलता। बोला, 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 बोला। बचाओ, 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 मैं डूब रहा हूँ, बचाओ, बचाओ। ले, तू तू तो अपनी जान बचा ले। बोला, बोला, बोला। इस पंछी की टांगें देखकर बताओ कि इसका नाम क्या है? पता नहीं जी, भाई टांगें देखकर पंछी का नाम कैसे पता लग सकता है? पता लग जाता है, जिसने पढ़ा हो उसे पता लग जाता है। तुम समझ लो कि तुम बायो प्रैक्टिकल में फेल हो गए हो, तुम अपना नाम बताओ। भाई आप भी मेरी टांगे देख के पता कर लो। बोला, 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 बोला। तो कौन है भाई? अरे भैया बिग बी बोल रहे हैं। हैं? बिग बी साक्षात हमारे घर में? कमाल हो गया। अरे भैया हम तो यहाँ पर जरा शूटिंग पर आए हुए थे, तो सोचा कि अपने पुराने दोस्त संता से मिलते चले। वही कमाल कर दिया बिग बी है, है जी, आप आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत, कभी हम आपको कभी अपने घर को देखते हैं। भाई गर्मी बहुत है, ये बताओ क्या पियोगे?
ठंडा कि गर्म? अरे भाई ठंडा पी लेते हैं, रूह अफ़ज़ा या पेप्सी? भैया पेप्सी पी लेते हैं। बॉटल में या गिलास में? अरे गिलास में पिला दो भाई। नहीं वो सिंपल गिलास में या डिजाइन वाले गिलास में? डिजाइन वाले गिलास में पिला दो। अरे डिजाइन लाइन वाला हो या फ्लावर वाला? अरे भैया फ्लावर वाला डिजाइन ले आओ। नहीं वो चमेली के फ्लावर वाला या रोज के फ्लावर वाला? रोज के फ्लावर वाला ले आओ भाई। सॉरी 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 भाजी, आप तो नाराज हो गए हैं बिग बी जी, वो ऐसा गिलास तो हमारे पास है नहीं, तो प्लीज आपको तो ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा। आए? देख आज जमाना कितना बदल चुका है। हाँ सही कह रहा है तू वीरू, मुझे लगता है कि जमाने के साथ साथ अब हमें भी बदल जाना चाहिए। अजय तब ना धनों की जरूरत, ना बसंती की, ना राधा की, तब तब हम दो ही काफी, और से माफी। हाँ हाँ वीरू, चलो अब हम अपना गाना बदल के रख दें। गे दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे गे गे दम, मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। रामलाल पजामा ऊपर करो। ओए पायलट भाई, ओ इधर ले। ये क्या कर रहे हो, मेरा हेडफोन क्यों खींच रहे हो? और टिकट तो हमने भी खरीदी है, गाने तू अकेले बैठ के सुनेगा। बोला 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 बोला। ओ बंता यार, हमें ये जो तीन बम मिले हैं, क्यों ना हम ये थाने जाकर पुलिस को सौंप दें? पर पाजी, अगर रास्ते में एक बम फूट गया तो हम झूठ बोल देंगे कि दो ही बम मिले थे। बोला 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 बोला। संता पाजी उधर देखो, आपका दोस्त आपकी वाइफ की पप्पियां ले रहा है। हैं? क्या बात करता है, अभी जाकर देखता हूँ। ओए बंतिया, वो झूठ बोलता है, मेरे दोस्त को बदनाम करता है। वो मेरा दोस्त नहीं, कोई और ही है। संता पाजी, बस में उस औरत ने आपके थप्पड़ क्यों मारा था? ओ यार समझ नहीं आया, मेरी एक फोटो नीचे गिर गई और उस लेडीज के पैरों के नीचे चली गई। मैंने उससे कहा बहन जी साड़ी ऊपर करना, फोटो लेनी है, इतनी सी बात थी, थप्पड़ पता नहीं क्यों मार दिया। बोला बोला बोला। मुझे लगता है यहाँ जरूर कोई हिडन कैमरा है। आप पुलिस ने कहा यहाँ हिडन कैमरा है? भैया अगर हिडन कैमरा ना होता तो इन्हें कैसे पता लगता मैं कौन सा चैनल देख रहा हूँ? बार बार बोले जा रहे हैं आप देख रहे हैं स्टार टीवी। बोला 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 बोला। बाबूजी आज मुझे एक आदमी ने ललकारा, कहने लगा ओए सनी जो उखाड़ सकता है उखाड़ ले। तो तूने फिर क्या किया सनी बेटा? मैं उसका हैंडपंप उखाड़ लाया। बोला 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 बोला। हाय राम, भीमशरण। ओहो डरती क्यों हो? जिसे तुम डर रही हो उसे तो मैंने हाथ में पकड़ रखा है, दिखाऊं? ये देखो। क्यों भाई देखा, दुनिया में और भी खतरनाक चीजें हैं। आइला लंबू जी आपने देखी दिल बोले हड़िप्पा? भैया टिंगू जी मैंने तो ये सोच कर ये फिल्म नहीं देखी, और ये कोई हिस्ट्री की फिल्म है, वो क्या कहते हैं पुरातत्व विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों की, आज कहते हैं दिल बोले हड़िप्पा,
कल बोलेंगे दिल बोले मोहन जोदाड़ो, फिर बोलेंगे दिल बोले गांधार, मथुरा, तक्षशिला, सारनाथ, कंबोडिया। अगला ये क्या बोला? संतपा जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। जब पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में खेलते हैं, हिंदुस्तान में खेलते हैं, दुबई में खेलते हैं तो ये जीत जाते हैं, पर जब ये ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं, इंग्लैंड में खेलते हैं, न्यूजीलैंड में खेलते हैं, साउथ अफ्रीका में खेलते हैं, ये हार जाते हैं। भाई ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती। उपाजी, क्रिकेट का अंग्रेजी से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, बड़ा गहरा ताल्लुक है। वही मैच जीतने के बाद इंटरव्यू में अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। हाँ पाजी, गलत अंग्रेजी बोल के जलील होने से तो अच्छा है हार के जलील होना। ओह, ये बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। अरे यार, एक पिज्जा पैक करना। क्या आप शादीशुदा हैं? और क्या, नहीं तो ऐसे मौसम में कोई माँ अपने बेटे को पिज्जा लेने भेजेगी? ओ अमरूद वाले भैया, ये अमरूद कैसे दिए? 50 रुपए किलो। अच्छा, पहले टेस्ट तो कर लूं। ओए, इसमें तो कीड़ा निकला है। अरे बाबूजी, ये तो किस्मत की बात है, क्या पता अगली बार मोटरसाइकिल निकल आए। संता पाजी, आज हमारी बकरी ने अंडा दिया है। ओए मूर्ख, बकरी अंडे नहीं देती, मुर्गी अंडे देती है। पता है पता है, पर हमने अपनी मुर्गी का नाम बकरी रखा है। बला, 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 ओ यार बंता, मैंने अपनी बीवी को 12वीं करवाई, बीए करवाई, एमए करवाई, अब उसकी सरकारी नौकरी भी लगवा दी। अब मैं सोच रहा हूँ और क्या करूँ। ओ यार संता, एक आइडिया दूँ, एक अच्छा सा लड़का देख के उसकी शादी करवा दे। ओए संता, तेरी कार का टायर पंचर कैसे हो गया? ओ यार बंता, एक दारू की बोतल इसके नीचे आ गई। ओए संता, तुझे एक बोतल नजर नहीं आई? ओ यार बंता, बोतल उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया था। ओ यार संता, तू रो क्यों रहा है? ओ यार बंता, ओ क्या बताऊं यार, मेरी मुर्गी मर गई। ओ यार संता, इतना तो मैं अपने बाप के मरने पे नहीं रोया था। ओए बंता, तेरा बाप कौन सा अंडे देता था? ओए संता, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तेरी बीवी तेरे ड्राइवर के साथ भाग गई? ओ हाँ यार। ओए तू अब क्या करेगा? करना क्या है, अब मैं गाड़ी खुद चलाऊंगा। हेलो माँ, मैं केबीसी से बोल रहा हूँ। माँ, मेरे पिताजी का नाम क्या है? बेटा सवाल कितने का है? 1000 रुपए का। अरे क्विट कर दे, 1000 रुपए के लिए घर में तलवारें निकल आएंगी। यार संता, आज तो तेरी शादी है, तुझे तो भंगड़ा शंगड़ा पाना चाहिए, और तू यहाँ इतनी टेंशन में बैठा हुआ है, क्या बात होगी? ओ यार बंता, मेरे ससुराल वालों ने बारात में कम से कम लोग लाने के लिए कहा था, पता नहीं मुझे लेके जाएंगे भी या नहीं। बच्चों, 3 इडियट देख के हमें क्या शिक्षा मिलती है? सर, नाक बीच में नहीं आती।
देखो देखो कितना अजीब जानवर है, इसकी तो पूंछ आगे लगी हुई है। बंता पाजी, मैं क्रिकेट का अच्छा प्लेयर बन सकता था, पर मैं जानबूझ के क्रिकेट नहीं खेला। क्यों पाजी, आप क्रिकेट क्यों नहीं खेले? क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत के मिलता ही क्या है? एक कप मिलता है। मुझे कप का क्या फायदा, चाय तो मैं पीता नहीं। हाँ, अगर गिलास मिलता होता तो कम से कम पैग पीने के काम तो आता।